हेलो फ्रेंड्स, प्रीलिम स्पेशल डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम हर दिन कुछ महत्वपूर्ण सोर्सेस जैसे द हिंदू, मिंट, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा टीवी इत्यादि से आईएएस या पीसीएस में पूछे जा सकने वाले करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, आपके साथ डिस्कशन करते हैं। ये जून महीने का हमारा अगला डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपको चार संस्थानों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपके दिए गए ऑप्शन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 के रिपोर्ट रैंकिंग से जोड़कर देख सकते हैं। यूपीएससी हर साल 2 से 3 प्रश्न रिपोर्ट रैंकिंग से जुड़ी हुई पूछती है। यदि हम बात करें इस रिपोर्ट का, तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। यूपीएससी के ट्रेंड के अनुसार आपसे सीधे सीधे यही पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है। आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। यदि हम बात करें इस रिपोर्ट में किस बात को रखा जाता है, इस रिपोर्ट के अंतर्गत किस चीज़ को प्रदर्शित की जाती है, तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत इस चीज़ को दिखाया जाता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ था, उसी समय सभी देशों ने अपने अपने यहाँ अपने अपने देशों में सरकारी स्तर पर काम करते हुए उत्सर्जन के स्तर को कम करने की प्रतिबद्धता दर्शाई थी। उसी दिशा को देखने के लिए कि कौन सा देश अपने यहाँ उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसी को प्रदर्शित करने के लिए इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। यदि हम बात करें इस रिपोर्ट के अंतर्गत, तो भारत को कहा गया था कि आप अपना उत्सर्जन जो है वो 0 से 5 के बीच में रखें, और भारत अभी इस प्रतिबद्धता को पूरा कर रहा है, इसी के अंतर्गत है। यदि हम बात करें यूएसए का, तो यूएसए को कहा गया था कि आप 0 से 9 के बीच में रहें, लेकिन यूएसए का वर्तमान उत्सर्जन जो है वो 20 से 25 के बीच में है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से चीन को कहा गया था कि उत्सर्जन को आप 12 से 15 के बीच में रखें, और चीन अपने जो लक्ष्य हैं उसके क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए 10 से नीचे अपने उत्सर्जन के स्तर पर है। ये इसलिए न्यूज़ में आया था फ्रेंड्स, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जितने भी देश हैं वे इस प्रतिबद्धता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, भले ही ये मजबूरी के कारण ही हुआ हो, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में ऑक्टोक्रिलीन समाचारों में था, किसके संदर्भ में है? आपको ये बताना है कि ऑक्टोक्रिलीन जो कि समाचारों में था वो किससे जुड़ा हुआ है। आपको दिए गए ऑप्शन में कोरल रीफ, टिड्डियां, पोल्ट्री और मछली संरक्षण दिया गया है। फ्रेंड्स, यूपीएससी एक प्रश्न ऐसा पूछती है जिसमें ये लिखा होता है कि हाल ही में समाचारों में ये शब्द देखा गया था, किससे जुड़ा हुआ है। तो इसी से संबंधित हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं, आप सतर्क रहेंगे। यदि हम बात करें ऑक्टोक्रिलीन का, तो ये समाचारों में कोरल रीफ से संबंधित था और ये जुड़ा हुआ है कोरल रीफ से। कहने का ये मतलब है, ऑक्टोक्रिलीन जो है वो एक रसायन है जो मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, मतलब जो क्रीम या पाउडर या फिर अलग अलग सौंदर्य से संबंधित प्रसाधन उपयोग किए जाते हैं उनमें इस रसायन का उपयोग होता है। उपयोग के बाद ये नालों के माध्यम से नदियों में जाते हैं और नदियों के माध्यम से ये समुद्र में पहुंच जाते हैं। समुद्र में जहाँ पर कोरल होते हैं, जहाँ पर प्रवाल होता है, उसके विरंजन का कारण ये रसायन बन रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में था, आप इसे ध्यान में रखेंगे। यूपीएससी के लिए पर्यावरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इस तरह के जो न्यूज़ में आते हैं शब्द, उन शब्द के प्रति सतर्क रहेंगे। अगर हम बात करें प्रवाल विरंजन का, तो ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें जो प्रवाल होते हैं वे अपना रंग, जो उनकी वास्तविक रंग होती है, उनको खोने लगते हैं, और
इसी क्रिया को प्रवाल विरंजन कहा जाता है। यदि हम बात करें फ्रेंड्स इस सौंदर्य प्रसादन के रसायन का, तो ये प्रकृति में एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है, जिसकी वजह से जो मूंगा होते हैं या फिर जो प्रवाल होते हैं उनको नुकसान होता है, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक वातावरण में अपने आप को जीवित नहीं रख सकते। यदि हम बात करें कोरोल का, तो ये एक ऐसा सहजीवी जीवन है जिसके अंतर्गत पॉलिप मतलब जो चूना प्रधान जीव होता है और दूसरा शैवाल जैजेथिली नामक शैवाल जो होता है वो आपस में मिलकर सहजीवन का जीवन बिताते हैं। इसके लिए जो पॉलिप चूना प्रधान होता है वो शैवालों को आधार प्रदान करता है, जबकि जो शैवाल होते हैं वो पॉलिप के लिए भोजन प्रदान करता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और इस प्रकार के वातावरण को निर्मित करते हैं। यदि हम बात करें इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का, तो ये छिछले पानी में जीवित रह सकते हैं। तापमान 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। यहाँ पर प्रकाश की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। जो जल है वो ज़्यादा प्रदूषित नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मीठा पानी भी नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा खारा पानी होना चाहिए। अगर हम बात करें विश्व में सबसे ज़्यादा ये कहाँ देखे जाते हैं, तो ये विश्व में सबसे ज़्यादा 25 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों के बीच में मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। अगर आपको इसे देखना है तो आपने ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सुना होगा, आप इसे सर्च करके देख सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में है। अगर हम बात करें भारत में कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है, तो लक्षद्वीप के बारे में आप जानेंगे कि वो लगभग 100% जो है वो कोरल से ही बना हुआ है। वैसे ही मन्नार की खाड़ी में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं जो कोरल से ही बने हुए हैं। अंडमान निकोबार का काफ़ी हिस्सा, कच्छ का क्षेत्र, ये सारे जो हैं वो कोरल से ही बने हुए हैं। तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, वर्टिकल फार्मिंग यानी कि ऊर्ध्वाधर कृषि के निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। आपको यहाँ पर तीन लाभों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, वर्टिकल फार्मिंग के बारे में आपको बताना है कि उसके कौन कौन से लाभ हैं। पहला कहता है अधिकतम फसल उपज, कम कार्बन प्रिंट, न्यूनतम पानी का उपयोग। अब आपको बताना है कि वर्टिकल फार्मिंग के कौन से लाभ हैं। फ्रेंड्स आप हमारे इस डिस्कशन के को GS पेपर 3 के कृषि और किसान से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें वर्टिकल फार्मिंग के दिए गए लाभ का, तो ये बिल्कुल सही है। पहला जिसमें बताया गया है कि ये अधिकतम फसल उपज देता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग जो होता है उसके अंतर्गत जो किसान होते हैं या फिर जो व्यावसायिक उद्यान होते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे रेख बनाए जाते हैं और हर रेख पर खेती की जाती है। इसके लिए खेतों की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए आप घर में ही इस प्रकार की फार्मिंग कर सकते हैं। तो इसलिए उपज जो होगी वो निश्चित रूप से ज़्यादा होगा। कम कार्बन प्रिंट कहने का मतलब ये है कि इस गतिविधि से पर्यावरण को प्रदूषण कम होगा। कैसे कम होगा, पर्यावरण को प्रदूषण इसलिए कम होगा क्योंकि इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, जो कृषि उत्पाद होंगे उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए परिवहन के उपयोग कम करनी पड़ेगी। इसको पानी पटाने के लिए मोटर की आवश्यकता कम पड़ेगी। यदि मोटर की आवश्यकता कम पड़ेगी तो बिजली कम खर्च होगा। बिजली कम खर्च होगा मतलब निश्चित रूप से वो पर्यावरण प्रदूषण की दिशा में कम काम कर रहा है। तो इसकी माध्यम से आप कह सकते हैं कि वर्टिकल फार्मिंग की वजह से कम कार्बन प्रिंट होगा, यानी कि कम कार्बन का प्रदूषण होगा। न्यूनतम पानी का उपयोग बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग के दिशा में जो खेतों में पानी बहाया जाता है पटाने के लिए, उनको सिंचाई करने के लिए, उसकी तुलना में मात्र 10% पानी की ही आवश्यकता होती है। यानी कि वर्टिकल फार्मिंग के बारे में आपको यहाँ पर तीन फायदे दिए गए हैं, वो तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आप यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं वर्टिकल फार्मिंग कैसे की जाती है। ये एक
घर है जहां पर आप देख सकते हैं रेक के जैसा बनाया गया है और वहां पर खेती की जा रही है। इसके यदि दूसरे अन्य फायदों की हम बात करें तो इसे शहरों में भी किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कम पानी की आवश्यकता होती है, मात्र तुलनात्मक रूप से जितना पानी खर्च किया जाता है उससे मात्र 10% पानी की आवश्यकता होती है। प्रदूषण कम होता है, इसे आप जान रहे हैं। लागत कम लगता है क्योंकि इसके लिए आप जो कीटनाशक होते हैं उनको आपको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो उर्वरक अनावश्यक रूप से बिखेरे जाते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इन सब से आपका पैसा बचेगा। इस प्रकार यदि आप खेती करते हैं तो पूरे साल सब्जी फल इत्यादि का उत्पादन कर सकते हैं, तो किसी विशेष सब्जी के लिए आपको विशेष मौसम का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसके बारे में भी आर्टिकल आया था कि इस दिशा में काम किया जा सकता है, किसानों को फायदा होगा, ये आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने आगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर आपको दो कथन दिए गए हैं, इस FATF के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। दूसरा कथन कहता है यह एक नीति बनाने वाली संस्थान है और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए परिचालन उपायों को बढ़ावा देता है या तो देती है। अब आपको बताना है कि FATF के बारे में दिए गए दो कथनों में से कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 2 के वैश्विक संस्थान या फिर संगठन से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें FATF के बारे में दिए गए पहले कथन का, तो फ्रेंड्स ये गलत है क्योंकि ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, इसे G7 के द्वारा स्थापित किया गया था 1989 में, और ये एक अंतर सरकारी पैनल ही है। मतलब पहले कथन का दूसरा हिस्सा जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन पहले कथन का पहला हिस्सा जो है वो गलत है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि FATF जो है वो G7 के द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1989 में, और ये एक अंतर सरकारी पैनल है, इसे आपको याद रखना है। दूसरा कथन क्या कहता है, यह एक नीति बनाने वाली संस्थान है जो मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, और दूसरा आगे कहता है कि आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने की दिशा में कार्य करता है। यह बिल्कुल सही है, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें कि ये अभी न्यूज में क्यों आया है फ्रेंड्स, तो FATF ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि आने वाले अक्टूबर 2020 तक जिन भी देशों को इसके अंतर्गत जारी किए जाने वाले दो प्रकार की लिस्ट, ग्रे लिस्ट और वाइट लिस्ट, उनमें जो देश हैं आने वाले अक्टूबर तक वही बने रहेंगे। मतलब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, आतंकवादी वित्तपोषण के मामले में, वो ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा। अमेरिका के द्वारा भी एक रिपोर्ट जारी की गई है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधि से संबंधित, जिसमें इस बात को नोटिफाई किया गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में आतंकवादी वित्तपोषण का मुख्य वजह है, भारत में अस्थिरता का कारण भी पाकिस्तान को अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें इसके सचिवालय का, तो आपको ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, आप ध्यान में रखेंगे कि FATF का जो सचिवालय है वो पेरिस में OECD मुख्यालय में है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जो इससे जुड़ी हुई हैं, जिसे आपको यदि जानना है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। जो बातें हम लोगों ने डिस्कशन की ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन बातों को आपको याद रखना है। हमारे डिस्कशन का अंतिम प्रश्न क्या कहता है, जलवायु महत्वाकांक्षा गठबंधन क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपको दो कथन दिए गए हैं, अभी आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, यह देशों, व्यवसायों, निवेशकों, शहरों और क्षेत्रों को एक साथ लाता है जो 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरा कथन कहता है, भारत इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इन दोनों कथनों में से क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर टू के वैश्विक समूह और जीएस पेपर तीन के जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देख सकते हैं। आप कुछ भी पढ़ें फ्रेंड्स, सिलेबस से जोड़कर पढ़ें, आपको यूपीएससी में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोकेगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस मतलब जलवायु महत्वाकांक्षा गठबंधन का, तो इसके बारे में दिया गया पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। कहने का ये मतलब है कि जो भी देश 2050 तक ऐसा लक्ष्य रख रहे हैं कि वे शुद्ध शून्य कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेंगे, उन सारे लोगों को एक मंच पर लाने का कार्य इस गठबंधन के माध्यम से किया जाता है। इस मंच में चाहे वो कोई देश हो, चाहे कोई व्यवसायिक संस्थान हो, कोई निवेशक हो, कोई शहर हो या फिर कोई विशेष क्षेत्र हो, सभी लोग इस मंच पर आकर अपने आप को किस दिशा में आगे बढ़ाएं ताकि 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को समाप्त किया जा सके या तो प्राप्त किया जा सके। एक अन्य महत्वपूर्ण बात इस गठबंधन के बारे में आपको ये याद रखना है कि भारत अभी तक इसका सदस्य नहीं बना है। ये न्यूज़ में इसीलिए आया था क्योंकि बात चल रही है कि भारत को इसके अंतर्गत शामिल हो जाना चाहिए, अभी तक शामिल नहीं हुआ है। यदि भारत इसके अंतर्गत शामिल होता है तो निश्चित रूप से हम आपको बताएंगे, आप इसे याद रखें। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। इससे जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण बातें जिसे आपको याद रखना है वो ये कि इस गठबंधन में देशों की भागीदारी का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र जलवायु और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के समर्थन के साथ चिली और यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके की सरकारें कर रही है। तो आप याद रखेंगे कि इस अलायंस का नेतृत्व कौन कर रहा है, चिली और यूनाइटेड किंगडम। किसके सहयोग से कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी। ये चार संस्थानों के नाम यानी कि दो देश और दो संस्थानों के नाम आपको याद रखना है। कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर यदि हम ध्यान दें तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC के तहत एक सामूहिक इकाई के रूप में यूरोपीय यूनियन को छोड़कर कुछ अन्य राष्ट्र जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन और कुछ छोटे द्वीपीय देश या फिर विकासशील देश जो कि नगण्य कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं वो इसके सदस्य हैं। जो नगण्य करते हैं, किसकी तुलना में नगण्य करते हैं, तो यूएसए के तुलना में, चीन के तुलना में और भारत की तुलना में। तो ये आपको याद रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेस टू जीरो कैंपेन किससे जुड़ा हुआ है, तो आप याद रखेंगे रेस टू जीरो कैंपेन ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है और यही वो कैंपेन है जिसके अंतर्गत 2050 तक जीरो, शुद्ध जीरो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी फ्रेंड्स, आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम आज के अपने डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।